हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के ब्लॉग्स में। आज दोस्तों मेरी हालत बद से बदतर हो गई है क्योंकि मुझे भयंकर सर्दी हुई है। मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मुझे फीवर आ रहा है, मेरा सर काफ़ी भारी है, बहुत हालत ख़राब है। इसके लिए मैंने आज छुट्टी ली है मजबूरन, वो काम था, मुझे जाना था बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत थकावट फील हो रही है आज। आज सुबह से सानवी ने भी बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, खाना खाने के लिए भी उसके इतने नाटक हैं कि क्या बताऊँ मैं। कुछ तो करके अभी उसने पूरा खाना खाया। मम्मी का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं कुछ काम करूं, बट मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तेरा काम करने का मन कभी भी नहीं करता है, कभी करता है तू काम, कुछ भी नहीं काम। माँ पर मैं आज सच में मैं लाइक हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। तू और टाइम में करता एक मिनट ना मेरी बहन। मम्मी मैं मैनेजर के साथ कॉल पे हूँ। वीना कॉल पे है तो वीना ने डांट लगाई है हम दोनों को, काफ़ी बहस मार रहे हैं। काजल का भी काम अभी तक उसको स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया काम बट वो कर नहीं पा रही है बिकॉज सानवी सब किसी से नहीं संभल रही है। डिफ्यूजर पे पानी, कौन सा पानी, इसका अलग पानी है क्या? लाइक अच्छा कोई भी पानी डाल सकता हूँ ना मैं? काफ़ी गर्म हो गया है ये भी, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। नीचे जलता है, ऊपर से फ्रेग्रेंस पेपराइज हो जाते हैं। सानवी बहुत तंग कर रही है आज, क्या हो गया सानवी? सबकी हालत टाइट है तो और टाइट कर रही है, क्या हो गया? कोकोमेलन की उसको इतनी आदत पड़ गई है ना, उसकी म्यूजिक सुन के इतनी खुश हो जाती है वो, पता नहीं उसको क्या मिल गया। अभी दोस्तों 1:45 हो रहा है, मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ। क्या हाल है? सब बढ़िया। कॉल पे हो आप? अभी मुझसे गुस्सा हो? मुझसे गुस्सा क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ इसके लिए? क्या यही मेरी गलती है? बीमार होना क्या गलती है? तो सज़ा दो मुझे। कपड़े डालू उधर? मैं डाल दूंगा पर मैं बेहोश हुआ था तेरे ऊपर। चल ले पकड़, उतने से कोई नहीं बेहोश। मैं कपड़ा डाल रहा हूँ। क्या कर रहे हो अभी तुम लोग? कुछ नहीं कर रहे। तो ये क्या, क्यों गूंद रहे हो? ये ऐसी रोटी बनाने के लिए। बोल ना क्यों गूंद रहे हो? नान खटाई। अच्छा एक और डिश बन रहा है नान खटाई। मैदा, मैदे में ही कर रहे हो? नहीं है, बेसन, मैदा मैंने थोड़ा ही डाला है। बेसन इस बार मैं बेसन का बना रही हूं, थोड़ा बेसन हेल्दी होता है। बेसन और गुड़ है, गुड़ है क्या कि शक्कर है? गुड़ है। गुड़ है तो खाएगा ना गुड़ का? खा मेरी कसम। झूठी है यार, अगर गुड़ होता था ना तो मैं इतना बिंदास खाता ना माँ, क्योंकि ऑलरेडी बेक्ड है ये, ऊपर से बेसन है तो शक्कर डाल के तूने काम तमाम कर दिया इसका। कोई बिस्किट गुड़ की नहीं बनती है कुछ, मतलब ऐसे फटता है कि वो पानी छोड़ता है ना बीजी। हाँ अरे करे सानू किधर जा रहा है तू? किधर जाने की तैयारी कर रही है? उधर ही खेलो, सब इधर ही है। उसको लगता है कि कोई है नहीं उसके आसपास, तो पता नहीं किधर गए। आज सुबह उसका सर लग गया था, ऐसे नीचे गिरी ऐसी धड़ाम करके, यहाँ पे उसका लाल हो गया था। आज खाने में दोस्तों कल का बचा हुआ चिकन करी और राइस है, थोड़ा सा मैंने राइस लिया है, बाकी चिकन करी है। मम्मी तो थर्सडे को खाती नहीं है तो मम्मी तो खिचड़ी खा रही है। वीना जल्दी आ। सानवी तो सो गई है और इतने सारे खिलौने उसने बिखेर दिए। माँ भी काफ़ी थक गई है, सुबह बैंक भी गई थी मम्मी कुछ काम से, उसके बाद खाना, उसके बाद अब नान खटाई वाला टास्क। तू ये कुशन पैर के नीचे रखा है, उठा उसको। मेरी तबीयत खराब है दोस्तों,
कुछ नहीं हो रहा उससे आज। नान खटाई गूंदना है माँ आटा? मैं गूंदू? नहीं, जब शोरमा खाते हैं तब कुछ नहीं है, घर का खाना तुम लोग को वो करने का। जो बड़ी बना रहा है किसी ने करते यार। क्या करना है मेरे को पता कैसे गूंदना, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। पहले तू कर, मेरे को दिखा। तो अभी जो मैक पे ये छोटे छोटे बेसन के छींटे गिरे हुए हैं, मम्मी ने कहा उनको साफ कर देना, फटक से इनको साफ कर देता हूँ। तो मेरे हिस्से का काम मैंने कर दिया है, अब थोड़ी मुझे थकान सी हो रही है, वापस आराम करता हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं, थोड़ा आराम करने के बाद एक गोली खा लेता हूँ अभी सोने से पहले, और हो सकता है थोड़ी देर में मुझे और ठीक लगे, बिकॉज नाक थोड़ा खुल चुका है। जो रात को नहीं सो पाया हूँ मैं, वापस से अभी सोता हूँ। तो नान खटाई का स्टेटस करेंटली ये है कि तीनों मिलकर जो आटा मम्मी ने और हमने मिलकर गूंदा था उनके पेड़े बना रहे। अभी चुप बैठी सानू, जैसे ही उसको कोई उठा ले तो ठीक है, नहीं नीचे रख दिया तो एक मिनट के लिए भी नहीं शांत रहेंगे। जब से काम करने स्टार्ट किया था दिवाली का, थोड़ा सा यहाँ वहाँ लोगों का टेंशन है तो उस पर ध्यान नहीं जा रहा, तो बस उसका मूड ख़राब हो रहा उस चीज़ में। दोस्तों अभी मैं और मम्मी निकल पड़े हैं बेकरी की तरफ, हमने वो सारा डो पेड़े बनाकर हमने इस बॉक्स में रख कर, एक कंटेनर में रख कर अब हम इसे बेक कराने जा रहे हैं। तो अभी मेरी सुबह से हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, थकान फील हो रही है बट सर्दी इतनी नहीं है। तो फटाफट बेक करके आते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है हमारा नान खटाई। कुछ नान खटाई मम्मी काजल ने लिया है ना घर पर, कुछ पेड़े काजल ने घर पर रखा है, उसने बोला कि वो घर के ओवन में ट्राई करेगी, तो देखते हैं उसका नान खटाई अच्छा होता है हमारा। तो हम लोग बेकरी के यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये हमारे एक्चुअली बचपन का रास्ता है, काफ़ी टाइम से हम लोग यहीं पे अपने नान खटाई को या कुछ भी बेक करना हो तो यहीं पे आते थे। ये आपको एक ट्रे देते हैं जहाँ पे आपको सारे अपने पेड़े को रखना पड़ता है और फिर ये लोग बेक कर देते हैं। और भी लोगों ने अपनी नान खटाई को बेक करने यहाँ पे लेके आए, कुछ लोग यहाँ पे अपनी नान खटाई को अभी रख रहे हैं, हम भी रखेंगे। तो मम्मी अपने नान खटाइयों को यहाँ पे अपने प्लेट्स पे लगा रही है, जैसे सब लगा रहे। कितना टाइम हो गया मम्मा तेरे को यहाँ पे लेके आते हुए इस बेकरी में? 50 साल पुरानी बेकरी है दोस्तों यहाँ, और अभी भी ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे सारे आपके ब्रेकफास्ट के खारी, टोस्ट, बटर यहीं पे बनते हैं, सारे बेकरी के आइटम्स, पाव। तो फाइनली हमारे नान खटाई जाएंगे उस ओवन में। कितना टाइम लगेगा भैया? 15-20 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेंगे हमारे नान खटाई को बेक होने में। अभी मैं और मम्मी यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारे बिस्किट्स के बेक होने का। आप देख सकते हैं पसीने से हालत फुल टाइट है, बिकॉज यहीं पे बेकरी है और जो भट्टी है उसकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो पूरी भीग गई थी। अब बनाते बनाते हमने बैच घर पे पेड़े बनाए थे, हमें फिर से यहाँ पे आकर उन पेड़ों को वापस से बनाना पड़ा क्योंकि सारे क्रैक हो गए थे, और थोड़ा सा भी क्रैक आपके बिस्किट्स को फोड़ देते हैं, जब वो बेक होता है तो फूट जाते हैं अंदर, तो फिर से हमें बनाना पड़ा विदाउट क्रैक्स वाले बिस्किट्स। तो हमारे नान खटाई भी रेडी हो चुके हैं ओवन से फ्रेश निकल के, अब इनको हम बनाना
डालेंगे। मुंबई में अचानक से बारिश गिर रही है, मौसम तो ये ठंड का होना चाहिए था। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मुंबई में, बट बारिश ने थोड़ी देर के लिए ठंडक तो दे दी है, पर अगले दिन गर्मी ना हो। अच्छा ठंडा मौसम हो गया तो मुंबई में दोस्तों अभी फ़िलहाल थोड़ा हल्का मौसम ठंडा हो चुका है, अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तबीयत मेरी दोस्तों वैसे ही है, जुकाम हो रखा है पर फीवर नहीं है। आज सुबह फीवर आया था, कफ वैसे ही हो रहा है। होपफुली कल तक मैं ठीक होके ऑफिस चला जाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।